गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आरजे सर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेडी इंग्लिश एडिशन। लास्ट क्लास में हमने पनोरमा जो बुक है उसके अंदर तीन के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, द गिटार प्लेयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट एंड स्वयंवर, लेखिका वही है सुनीति नामजोशी। कल हमने लेखिका के बारे में पढ़ लिया था, चलो पढ़ते हैं अपन। वंस अपन ए टाइम देर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस हु वॉज गुड एट विसलिंग। एक बार एक छोटी सी राजकुमारी थी जो विसलिंग यानी सिटी बजाने में बहुत अच्छी थी, यानी वो बहुत अच्छी सिटी बजाया करती थी। डोंट विसल सेड हर मदर, डोंट विसल सेड हर फादर, बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, वेंट ऑन ए विसलिंग। उसकी मम्मी भी क्या कहा करती थी, उसकी माँ ने कहा कि सिटी मत बजाया करो, उसके पापा ने भी ये कहा कि सिटी मत बजाया करो, लेकिन बच्ची है वो सिटी अच्छी प्रकार से बजाती थी और वह सिटी बजाती ही रही। मतलब उसने सिटी बजाने से अपने आप को नहीं रोका और वो सिटी लगातार वेंट होने ने जारी रखा, यानी सिटी बजाना जारी रखा। यस वेंट बाय एंड सी बिकम ए वुमन। समय बीतता गया, साल बीतते गए और वह एक औरत बन गई, कहने मतलब वो बड़ी हो गई, महिला बन गई। By this time she whistled beautifully, और इस समय तक तो वो बहुत अच्छी सी सीटी बजाने लग गई थी, यानी सीटी बजाने में बहुत अच्छी हो गई थी वो। पहले बच्ची थी तब भी अच्छी बजाती थी और अब तो वो और ज़्यादा इन एक्सपीरियंस की वजह से वो और ज़्यादा सीटी बजाने लग गई थी, क्योंकि उसने सीटी बजाना नहीं छोड़ा था अपने घर वालों के कहने के बावजूद। तो लगातार कोई भी काम अपन करते हैं तो वो लगातार करने से अपने काम में निखार आता है, तो उसके भी सीटी बजाने का जो काम था, हैबिट थी, उसके अंदर निखार आता गया और वो और अच्छी सीटी बजाने लग गई। ठीक है, फिर क्या होता है, हर पेरेंट्स ग्रिफ्ट। ग्रिफ्ट का अर्थ होता है उदास होना, परेशान होना, ठीक है, व्यथित होना, दुखी हो जाना। ठीक है, तो उसके जो माता पिता थे उससे व्यथित हो गए, उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमन, उनकी टेंशन क्या थी, उनकी टेंशन ये थी कि ऐसी सिटी बजाने वाली जो लड़की है उसके साथ शादी कौन करेगा, यानी सिटी बजाने वाली लड़की है उसके साथ कौन अच्छा आदमी शादी करेगा। स्पेलिंग लगानी भूल गया था मैं, यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग आया था ग्रेवी, यहाँ इसका लिखो व्यथित होना, दुखी होना, परेशान हो जाना। ठीक है, तो उसकी माँ कहा करती थी कि उसके साथ शादी कौन करेगा, किसने कही ये बात, सैड हर मदर डॉल्फली। डॉल्फली का अर्थ भी दुखी होकर, ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ भी दुखी होकर, समझ में आया होगा। वेल सैड हर फादर, ठीक है, उसके पापा भी ऐसा ही कहा करते थे और उसके पापा ने क्या किया, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, कि हमको ऐसी परिस्थिति में इसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है वो करना चाहिए, अपनी जो लड़की है इसके लिए, राजकुमारी जो है इसके लिए हमें अच्छे से अच्छा करना है। जैसी भी है, चलो सिटी बजाती है कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है, जितना हो सके उतना अच्छा करना है अपनी बेटी के लिए, अपनी राजकुमारी के लिए। ठीक है, आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विसलिंग। तो पहले एक नाम, अपना जो रिलेशन का नाम है स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ क्या होता है, स्वयंवर के अंदर ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है, जो कॉम्पिटिशन को फाइट करता है, जो कॉम्पिटिशन जीतता है उसको उस लड़की के साथ शादी होती है। कहने का मतलब ये है कि शादी करने के लिए एक कंपटीशन रखा जाता है, एक प्रतियोगिता रखी जाती है, वो जीतने वाला है वो ही आदमी क्या करता है, शादी करता है। और या फिर ऐसे माने कि कोई भी लड़की शादी करना चाहती है तो वो अपने लिए एबल जो
वर चुनना चाहे, स्वयं यदि अपना वर चुनती है एबल किसी भी कंपटीशन के माध्यम से, तो वो प्रक्रिया है वो स्वयंवर कहलाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके पापा ने क्या घोषणा कर दी कि वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, आई विल ऑफर हाफ माय किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। तो उसने साफ साफ घोषणा कर दी कि मैं किसी भी पुरुष को जो उसको यानी मेरी राजकुमारी को सिटी बजाने में मात देगा, उसको हरा देगा, बेटे ने तो हरा देना, ठीक है, तो उसको हरा देगा, उसको क्या होगा, उसको मैं अपना आधा राज्य और राजकुमारी भेंट में दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि राजकुमारी की शादी तभी होगी जब कोई आदमी उसको विस्लिंग में हराएगा। आगे बात समझ में, द किंग्स ऑफर वॉज डेली प्रोक्लेम्ड एंड सून द पैलेस वॉज जम्प्ड विथ शूटर्स विस्लिंग। ठीक है, तो राजा का जो प्रस्ताव था इसके अंदर एक दो वर्ड मीनिंग आई वो देख लो। ड्यूली कार्ड लिखो विधि प्रकार यानी कानून सम्मत। ड्यूली कार्ड क्या हो गया, विधि प्रकार या कानून सम्मत। आगे बात समझे, प्रोक्लेम्ड कार्ड था घोषणा कर दी गई, क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। शूटर्स यानी क्या होते हैं, विवाहार्थी, क्या होते हैं, विवाहार्थी, शूटर्स होते हैं विवाहार्थी। ठीक है, तो राजा के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो विधिवत की गई होगी, है ना, राजा ने विधिपूर्वक घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी कि जो भी कोई व्यक्ति मेरी बेटी को सिट्टी बजाने में हराएगा, विस्लिंग में हराएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दूंगा और राजकुमारी भी भेंट में दे दूंगा। तो आगे क्या हुआ कि द किंग्स ऑफर वॉज डेली प्रोक्लेम्ड एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद शूटर्स विस्लिंग। राजा के इस प्रस्ताव की विधिवत घोषणा कर दी गई और शीघ्र ही महल सिटी बजाने वाले विवाहार्थियों से भर गया, यानी ठसाठस से भर गया, यानी अत्यधिक भीड़ उनकी हो गई। तो क्या हुआ, इट वॉज वेरी नोइजी, वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। शोरगुल क्यों हो रहा था, आपको पता ही है कि वहाँ सिटी बजाने वाले आए थे सारे, और जब एक साथ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर तो क्या होता है, आप अनुमान लगा सकते हो। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड, बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट देम इजीली। तो वहाँ पर जो भी लोग आए थे अधिकतर लोग भयानक थे देखने में, केवल कुछ ही लोग अच्छे थे, लेकिन राजकुमारी उनमें प्रत्येक में सबसे अच्छी थी और उसने हर विवाहार्थी को आसानी से सिटी बजाने में हरा दिया। तो क्या कर दिया, उसने सभी को हरा दिया आसानी से। सारे भयानक इसलिए थे क्योंकि सारे सिटी बजाने वाले थे, कोई अच्छा आदमी कहाँ से होगा, सिटी बजाने वाले आपको पता ही कैसे होते हैं। ठीक है, तो सारे सिटी बजाने वाले थे और कुछ लोग अच्छे भी थे, लेकिन राजकुमारी सबसे अच्छी थी और उसने सभी को हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का अर्थ होता है ना खुश होना, दुखी होना। तो राजा क्या हो गया, दुखी हो गया। डिस्प्लेस्ड का अर्थ लिख लो आप, ना खुश होना या दुखी हो जाना। ठीक है, बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर, पापा टेंशन मत कीजिए, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। तो उसने क्या कहा अपने पापा को कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब मुझे परीक्षा के रूप में, परीक्षा के एक टेस्ट के रूप को निश्चित करने दीजिए और शायद उसका अच्छा ही परिणाम निकल जाएगा। ठीक है, देन सी टर्न टू शूटर्स, उसके बाद वो किसकी तरफ घूम गई, शूटर्स यानी विवाहार्थियों की तरफ से घूम गई। डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बिटन फेयरली, और उनकी तरफ घूमते हुए उसने क्या कहा, उनकी तरफ मुड़ी और कहा क्या आप लोग ये स्वीकार करते हो कि आप लोगों को अच्छी खासी मात दी गई, यानी आप हार चुके हो, क्या आप अपनी हार पराजय स्वीकार करते हो। एक्नोलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, क्या अर्थ होता है इसका, स्वीकार करना। ठीक है, तो उसने उनकी तरफ घूमते हुए कहा क्या आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हो, ऐसा उसने उनसे कहा। नो द ऑल रोड ऑल एक्सेप्ट वन, सब ने एक साथ कहा नहीं, हमें हार नहीं मानने वाले, केवल एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन यानी
एक ने कहा भाई चलो ठीक है मैंने हार मान ली, मैं ये मानता हूँ कि मुझे साफ साफ है हरा दिया गया, मात मिली है, बाकी सभी धाड़ते हुए बोले कि हम नहीं आ रहे। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ए ट्रिक। तो हमें क्या लगता है कि ये कोई जादू था या किसी प्रकार की चालबाजी थी, हम ऐसे हारने वाले नहीं है। बट वन साइड, लेकिन एक ने कहा यस यस हाँ हम हार गए। ही सर, उसने कहा आई वॉज बीटन फेयरली मच, से मैं आसानी से हरा चुका हूँ, साफ साफ मेरी जो हार हुई है मेरी मात दे दी गई है मुझे। तो राजकुमारी क्या करती है फिर आगे देखो आप पे। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई। टर्निंग टू हर फादर, अपने पापा की तरफ मुड़ते हुए सी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड का अर्थ होता है इशारा करना, क्या होता है पॉइंटेड का अर्थ है इशारा करना, समझ में आ गई बात है, पॉइंटेड का अर्थ होता है इशारा करना। ओके, इफ ही विल हैव मी सी सेड आई विल मैरी हिम। तो उसने क्या कहा, यदि यह मुझको रखने के लिए सहमत होगा तो मैं उससे ही शादी करूंगी। दैट्स ऑल, यानी पिता की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। बेटी ने एक टेस्ट रखा और उसमें उसने परख लिया। परखने का मतलब क्या हुआ कि सच बोलने वाला और अपनी हार स्वीकार करने वाला मनुष्य, यानी जो वास्तविकता को स्वीकार करने वाला आदमी उसको मिल गया था। ठीक है, क्वेश्चन देख लो इसके कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चंस निकाल लो। आपको क्वेश्चंस करने हैं। सी में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सी में। सी में कौन सा क्वेश्चन है, सी में आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, व्हाट वाज द राइट आंसर, उसके बाद में सेकंड भी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट, ये डिस्कस डीपर मीनिंग ये वाले दोनों करने हैं। ओके ठीक है, तो ये फोर क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके थैंक यू।